सद्दसार, मुंडन संखार या मुंडन संस्कार। अक्सर आपने सुना होगा, अरे हमें तो उसने मूंड लिया, या बाजार में दुकानदार किसी ग्राहक को मूंड लेता है, या आपस में जब दो दुकानदार बात करते हैं तो कहते हैं कि मैंने उस ग्राहक को अच्छी तरह से मूंड लिया। यहाँ जो मूंडने का मतलब है वो तिरुपति बालाजी के अंदर जो मुंडन होता है, जहाँ बाल कटाते हैं सभी तीर्थयात्री, वो मुंडन, या जो बच्चे के बाल संस्कार का या जो बाल संखार का होता है मुंडन संस्कार का, उसमें जो बाल कटाते हैं, उन सभी मुंडनों का मतलब एक ही है। आपके सर के सभी बाल अगर काट दिए जाएं तो उसको मुंडन बोलते हैं, और इस कार्य को मुंडन संखार बोला जाता था पाली भाषा के अंदर। मुंडन जो शब्द है, या मुंडा या मुंडी या मुंडे या मुड़िया पूर्णिमा, जो अभी आषाढ़ी पूर्णिमा होती है भारत के अंदर, आषाढ़ के महीने में, यानी आषाढ़ के महीने में जो पूर्णमासी आती है, पूर्ण चंद आता है, उसको मुड़िया पूर्णिमा भी कहते हैं। यानी कि मुड़िया पूर्णिमा का मतलब है कि उस दिन बहुत सारे जो लोग हैं वो चीवर लेते हैं, भिक्षु बनते हैं, सामनेर बनते हैं, और उनके सर मुंडाए जाते हैं। ये परंपरा बुद्ध समय के बाद बहुत तेज़ी से बढ़ी और विकसित हुई, क्योंकि जितने भी बुद्ध के सामनेर थे या सावक थे या भिक्षु थे या भिक्षुणी थे, उनका नियम था कि उन्हें मुंडन कराना पड़ेगा, तभी वो भिक्षु संघ में शामिल होते थे। ये भिक्षु संघ का नियम था। मुंडन इसलिए कराते थे ताकि विपस्ना करते समय बाल उनको परेशान ना करें और वो गहरी विपस्ना साधना से अच्छी तरह से सीख जाएं। इसलिए उस समय के जितने भी मुंडन के लोग थे या मुंडा लोग थे, या जो मुंडे लोग थे, मुंडी थे या मुड़िया थे या मंडू थे या मैडे थे, वो सारे के सारे उस समय के बुद्धिस्ट लोग हैं। ये बिल्कुल क्लियर सी और बिल्कुल स्पष्ट बात है, क्योंकि मुंडेती का मतलब है मुंडन कराता है या मुंडन करता है, यानी कि बालों को शेव करता है, गंजा होता है, सफाचट होता है। ये मुंडेती का मतलब पाली के अंदर होता है। मुंडत जो होता है, मुंडत का मतलब है मुंडन कराने का भाव, यानी अगर हम ये कहें कि कोई मुंडत है तो उसका मतलब उसकी इच्छा है, उसका भाव है कि वो मुंडन कराना चाहता है, भिक्खु बनना चाहता है या भिक्खुणी बनना चाहता है। ये जितने भी आपने शब्द सुने होंगे, नाम सुने होंगे, जैसे दिल्ली के पास एक बड़ा मशहूर गाँव है मुंडका, या मंडावली है, या मुंडेर है, या मुंडा है, या विरसा मुंडा, आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा। विरसा मुंडा हमारे बहुत महापुरुष रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ के अंदर और इधर जो पूर्वी उत्तर प्रदेश भारत है वहाँ पे वो, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को समझाया और लोगों को जन जागृत किया। इसलिए विरसा मुंडा का मतलब समझिए, वीर रस का मुंडा नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है जो वीर रस मुंडा, यानी पुराने समय में जिसने अपने सारे रस छोड़ दिए हैं, वीत रस हो गया है। वीत रस का मतलब है कि अब वो भिक्खु हो गया है या भिक्खुणी हो गई है और वीत रस हो गया है, और जिसने अपने बाल मुड़ लिए हैं, कटा लिए हैं, इसलिए उसको विरसा मुंडा बोलते हैं, यानी वीत रस मुंडा बोलते हैं। तो ये हमारे महापुरुषों के जो नाम हैं सारे, जो मुंड से या मुंडा से, या जो अभी आपने देखा होगा कि एक मुंडे बहुत चर्चित नाम रहा महाराष्ट्र के अंदर, तो जितने मुंडे मुंडा, और इसी मुंडा से अंग्रेजों ने गुंडा एक्ट बनाया। गुंडा कोई शब्द नहीं है कहीं भी, मगर मुंडा को वो गुंडा बोलते थे, इसलिए उन्होंने गुंडा शब्द बनाया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी आज़ादी के लिए लड़े और फाइट किए। अधिकतर भारत के मूल निवासियों ने भारत की आज़ादी के लिए बड़ा खून पसीना बहाया और बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने बलिदान दिए हैं, इसलिए वो गुंडा एक्ट बना, जो आज भी गुंडे एक्ट के नाम से फेमस है। धन्यवाद।